हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके क्लासेज में। तो दोस्तों अपन आज बात करेंगे हरियाणा जीके के बारे में, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंट जो पहले हैं अपन 10 क्वेश्चनों की बात करेंगे, करंट अफेयर प्लस जीके की, उसके बाद में स्टैटिक जीके की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कहाँ जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिसार, सेकेंड ऑप्शन है बियाणी, थर्ड ऑप्शन है रोहतक, फोर्थ ऑप्शन है महेंद्रगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा हिसार, ठीक है। हिसार के अंदर जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 300 एकड़ के अंदर बनाया जाएगा और इसकी लागत कितनी है, 32 करोड़ रुपए। 32 करोड़ रुपए इसकी क्या है लागत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हरियाणा का पहला अत्याधुनिक सुविधा वाला बस टर्मिनल कहाँ बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बियाणी, सेकंड ऑप्शन है सिरसा, थर्ड ऑप्शन है फरीदाबाद और फोर्थ ऑप्शन है रेवाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। तो फरीदाबाद के अंदर इसके अंदर क्या है, अत्याधुनिक सुविधा वाला बस टर्मिनल बन रहा है। और आपको पता होगा हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, झज्जर। जो झज्जर वो सबसे बड़ा बस स्टैंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुड़गांव, सेकंड ऑप्शन है रेवाड़ी, थर्ड ऑप्शन है हिसार और फोर्थ ऑप्शन है पलवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुरुग्राम, ठीक है। ये लिए अपने क्या है, सैड न्यूज़ है, अच्छी खबर नहीं है कि प्रदूषित शहरों के अंदर जो अपना सबसे फेमस शहर है वो गुरुग्राम, वो इसके अंदर शामिल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है रोहतक, सेकंड ऑप्शन है बियाणी, थर्ड ऑप्शन है गुरुग्राम, फोर्थ ऑप्शन है सिरसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर क्या बन रहा है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुरुग्राम में किस नाम से सिटी बस सेवा लॉन्च की गई। तो फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा परिवहन, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा निगम, थर्ड ऑप्शन है गुरुगमन और फोर्थ ऑप्शन है गुरु शक्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गुरुगमन, ठीक है दोस्तों। गुरुगमन नाम से क्या है, सिटी बस सेवा शुरू की गई है, जो सिटी बस होती है अपनी लो फ्लोर वो शुरू की गई, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, 23 बसों को शामिल किया गया इसके बेड़े के अंदर, फर्स्ट में इसमें 23 बसें चलाई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश की पहली जो बच्ची ने जन्म लिया वो कहाँ पर लिया, ठीक है। आपको पता है जो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत है वो की गई, जिसके अंदर क्या है, कहाँ से की गई, हरियाणा की। तो फर्स्ट ऑप्शन है करनाल, सेकंड ऑप्शन है हिसार, थर्ड ऑप्शन है मोरनी और फोर्थ ऑप्शन है कैथल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा करनाल के अंदर, ठीक है। और आपको पता है हरियाणा में कब शुरू किया है, 15 अगस्त से किया गया है, ठीक है, 2018 से। और जो अन्य देश में ये 25 सितंबर से शुरू हुआ है, ठीक है। और आपको पता है 25 सितंबर को दीनदयाल जयंती मनाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो फर्स्ट जो बच्ची उसका जन्म लिया उसका नाम क्या है, तो बच्ची का नाम है करिश्मा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं उस बच्ची का नाम क्या है और उसकी माता का नाम है मौसमी, ठीक है दोस्तों, माता का नाम है मौसमी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पंचकुला, सेकंड ऑप्शन है नूह है, थर्ड ऑप्शन है पलवल, फोर्थ ऑप्शन है महेंद्रगढ़, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन है, पलवल नहीं आएगा, यहाँ पर फरीदाबाद कर लेना अब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करंट आंसर होगा नो है,
ठीक है, नूह के जो अकेड़ा गांव है वहाँ पर शुरू किया जाए। ठीक है, ये यूनानी चिकित्सा की होती है, जैसे चिकित्सा पद्धति की अलग अलग वो होती है। ठीक है, जैसे होम्योपैथिक से करना चाहे यूनानी, अलग अलग चिकित्सा की पद्धति है। तो जो यूनानी पद्धति है उसकी महाविद्यालय कहाँ पर बनेगा? नूह के अकेड़ा गांव में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग 2018 का राज्य स्तरीय आयोजन हरियाणा में कहाँ हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पंचकुला में, सेकंड ऑप्शन है झज्जर में, थर्ड ऑप्शन है करनाल में और फोर्थ ऑप्शन है हिसार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा झज्जर के अंदर। ठीक है, और जब अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछें तो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है देहरादून के अंदर, देहरादून। ठीक है, देहरादून के अंदर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की पर बात करें, सेत तईं का गुंबद कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बियाणी, सेकंड ऑप्शन है नारनौल, थर्ड ऑप्शन है कैथल और फोर्थ ऑप्शन है चरखी दादरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उसके बाद क्या अपन दो जिले की क्या स्टेटिक्स जीके के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है देश की प्रथम आधुनिक जो आंगनबाड़ी हरियाणा के किस जिले में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सोनीपत के अंदर, सेकंड ऑप्शन है पानीपत के अंदर, थर्ड ऑप्शन है कुरुक्षेत्र के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है अंबाला के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा सोनीपत के अंदर। ठीक है, सोनीपत के अंदर जो हसनपुरा गांव है वहाँ पर जो हाईटेक नई आंगनबाड़ी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं स्टेटिक जीके की तरफ। तो आज है फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद की अपन स्टेटिक जीके की बात करेंगे। तो कि स्थापना कब हुई इसकी? 15 जुलाई 1997 में। ठीक है, और ये क्या है? ये हिसार से अलग होकर नया जिला बना है। ठीक है, उसके बाद में अपन इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल कितना है इसका? 2520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कौन सा है? फतेहाबाद ही है। उपमंडल की बात करें तो फतेहाबाद, टोहाना और रतिया है। तहसील की बात करें तो इसकी तहसील फतेहाबाद है, टोहाना है और रतिया है। उप तहसील की बात करें तो उप तहसील है भुन्ना, भट्टूकला, जाखल। और खंड की बात करें तो खंड है फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भट्टूकला, भुन्ना और जाखल। ठीक है, इसके क्या है? खंड है छः। ठीक है, छः इसके क्या है? खंड है। उसके बाद प्रमुख फसलें की बात करें तो यहाँ पर गेहूं, बाजरा और चावल है। ठीक है, अन्य फसलों में क्या क्या है? तिलहन और कपास है। अगर अपन उद्योग की बात करें तो यहाँ पर सूती जो धागे से जो उद्योग होता है वो यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख नगरों की बात करें तो यहाँ पर फतेहाबाद है, रतिया है, जाखड़ है, ठीक है, मंडी है और एक जाखड़ है दोस्तों यहाँ पर, ये जाखड़ नहीं है, ये पर करेक्शन करना। उसके बाद में टोहाना है। ठीक है, काश्तकारों की बात करें अपन तो काश्तकार यहाँ पर कितने हैं? 33.44%। ठीक है, और खेतिहर मजदूरों की बात करें तो 12.93% हैं। पारिवारिक उद्योग की अगर बात करें तो कितनी है? 1.53% है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन नेक्स्ट जिले की बात करें तो कौन सा है? कैथल। ठीक है, तो कैथल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 नवंबर 1889 के अंदर। ठीक है, और अगर इसकी अपन विस्तार की स्थिति की बात करें तो उत्तर और पश्चिम में तो कौन सा लगता है इसके? पंजाब। पूर्व में करनाल और दक्षिण में कौन सा है? जींद है। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रफल की बात करें तो 2317 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो कौन सा? कैथली है। उसके बाद में अपन देखते हैं उपमंडल, तो उपमंडल कौन सा है? कैथल और गोला।
और तहसील कौन सी है, तहसील कैथल और गोलाई है, ठीक है, तो तहसील और उपमंडल एक ही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में उप तहसील की बात करें तो फतेहपुर, पुंडरी, कलायत, राजौंद, डाड और शिवनी, ठीक है। उसके बाद में अपन खंड की बात करें तो गोला स्थित चिक्का और कैथल, पुंडरी और कलायत, उसके बाद में और राजौंद है, ठीक है दोस्तों। अगर नदी की बात करें अपन तो नदी यहाँ पर घग्गर नदी और सरस्वती नदी है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। फिर ये लास्ट कहाँ पर, राजस्थान के अंदर जाती है, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, और फिर ये पाकिस्तान के अंदर अगर ज़्यादा पानी हो तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास जाती है, ठीक है। वहाँ पर इसको क्या कहते हैं, अकरा नदी कहते हैं, ठीक है। सरस्वती नदी ये भी क्या है, राजस्थान में जाती है। उसके बाद में अगर प्रमुख फसलों की अपन बात करें तो गेहूं और चावल है प्रमुख फसल। अन्य फसलों की बात करें तो तिलहन है, गन्ना है और कपास, ठीक है। फिर जो प्रमुख उद्योग हैं उनकी बात करें तो हथकरघा है यहाँ पर, चीनी की जो उद्योग हैं, कृषि उपकरणों के हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें तो कौन सा है, कैथली है यहाँ पर। काश्तकार कितने यहाँ पर, 31.93%। खेतिहार मजदूर कितने हैं, 10.88% हैं। पारिवारिक उद्योग वो है 1.21% है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर पर्यटन स्थलों की बात करें तो अपन पर्यटन स्थल है यहाँ पर गुरुद्वार नीम साहिब का गुरुद्वारा है, ठीक है, और मंजी साहिब का यहाँ पर गुरुद्वारा है, नवग्रह कुंड है यहाँ पर, ठीक है, बाबा लुधाना है, उसके बाद में मेला पुंडरक है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर क्या है, पर्यटक स्थल है। तो अपने यहाँ पर क्या क्या बजे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्टों का क्या स्टेटिक जीके का देखा, ठीक है। ऐसे अपन रोज करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन प्लस 2 डिस्ट्रिक्ट का स्टेटिक जीके, जिसे अपने साथ साथ स्टेटिक जीके भी हो सकेगा और उसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर का है वो भी चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।